Hello students, today I am going to define cyclic group in group theory of modern algebra or abstract algebra. तो देखिए students, cyclic group को define करने से पहले मैं example ले रहा हूँ और उस example से मैं आपको explain करूँगा. देखिए example बच्चों, मैं यहाँ समझा रहा हूँ, definition साथ में लिखूँगा, example ले रहा हूँ. ये एग्जाम्पल ही आपको मेंशन कर देना है डेफिनेशन के नीचे. मैंने एक जी सेट ले लिया और ये बच्चों सेट जो है वो nth रूट ऑफ यूनिटी से बना है. इसे मैंने डिटेल में स्टडी किया है शुरू की वीडियोस में. तो वीडियोस बच्चों, इट्स माय रिक्वेस्ट टू यू टू वॉच द माई वीडियोज सीरियल वाइज टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग क्लियरली. तो देखिए बच्चों, माइनस वन, वन, माइनस आई और आई, ये फोर रूट्स आए यूनिटी के. तो हमारे पास में यहां आई है. आई मीन्स आयोटा है. ये आयोटा क्या है? आयोटा डिफाइन किया गया था आई ओटा इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वन को डिफाइन किया गया था. अब देखिए बच्चों, हमने ऑपरेशन लिया मल्टीप्लीकेशन का और इस मल्टीप्लीकेशन के ऑपरेशन के लिए हमने कंपोजिशन टेबल बनाई, एक टेबल बनाई. माइनस वन, वन, माइनस आई, माइनस आई, प्लस आई. यहां पर भी लिख लें, माइनस वन, वन, माइनस आई, आई. यहां देखिए बच्चों, ऑपरेशन हमारे साथ में किसका मेंशन किया गया है? मल्टीप्लीकेशन का ऑपरेशन लेने. तो बच्चों, माइनस वन की माइनस वन से मल्टीप्लीकेशन करेंगे वन आएगा, माइनस वन की वन से मल्टीप्लीकेशन करेंगे माइनस वन आएगा, माइनस वन की माइनस आई से मल्टीप्लीकेशन करेंगे आई आएगा, माइनस वन की माइनस सॉरी प्लस आई से मल्टीप्लीकेशन करेंगे माइनस आई आएगा, वन की मल्टीप्लीकेशन माइनस वन से करेंगे माइनस वन, वन की मल्टीप्लीकेशन वन से करेंगे वन, वन की मल्टीप्लीकेशन माइनस वन से करेंगे माइनस आई, वन की मल्टीप्लीकेशन आई से करेंगे आई, माइनस आई की मल्टीप्लीकेशन माइनस वन से करेंगे तो बच्चों ये आई आएगा, माइनस वन की माइनस आई की वन से मल्टीप्लीकेशन माइनस आई, माइनस आई की माइनस आई से मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू आई स्क्वायर आया और आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन होती है. तो माइनस वन आया, माइनस आई की मल्टीप्लीकेशन आई से करें तो माइनस आई स्क्वायर आया, माइनस और आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन तो ये प्लस वन आया. आई की मल्टीप्लीकेशन माइनस वन से माइनस आई, आई की मल्टीप्लीकेशन वन से आई, आई की मल्टीप्लीकेशन माइनस आई से, आई की मल्टीप्लीकेशन माइनस आई से. बच्चों माइनस आई स्क्वायर आया, फिर ये माइनस वन हो गया, प्लस वन हो गया. आई की मल्टीप्लीकेशन आई से, आई इंटू आई, बच्चों आई स्क्वायर होगा और आई स्क्वायर होगा माइनस वन, ये आया. हम यहां पर बच्चों साइक्लिक ग्रुप, हमने ये टेबल क्यों बनाई? बिना टेबल के भी काम चल सकता था. जैसे हम यहां पर इनवर्स और आइडेंटिटी देखना चाह रहे हैं हम, क्या क्या है. देखिए माइनस वन में कितने से मल्टीप्लाई करें कि माइनस वन आ जाए, वन में किससे मल्टीप्लाई करें कि वन आ जाए, माइनस आई में किससे मल्टीप्लाई करें कि माइनस आई आ जाए, आई में किससे मल्टीप्लाई करें कि आई आ जाए. यहां देखते हैं, इस टेबल से देख लेते हैं. माइनस वन की वन से मल्टीप्लीकेशन की तो माइनस वन आया वन,
वन की वन से मल्टीप्लीकेशन की तो वन आया, माइनस आई की वन से मल्टीप्लीकेशन की तो माइनस वन आया, माइनस आई आया, आई की वन से मल्टीप्लीकेशन की तो आई आया। तो ये चीज हमें शो कर रही है वन इज आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट की क्या आवश्यकता पड़ गई? अब मैं इनवर्स निकाल लूंगा, इसलिए माइनस वन में किससे मल्टीप्लाई करूं कि आइडेंटिटी आ जाए, आ जाए। वन में किससे मल्टीप्लाई करूं कि आइडेंटिटी आ जाए, माइनस आई में किससे मल्टीप्लाई करूं कि आइडेंटिटी आ जाए, आई में किससे मल्टीप्लाई करूं कि आइडेंटिटी आ जाए। ये सब में आइडेंटिटी है। ये सब में आइडेंटिटी है। ये देख लो वचन नीचे कर दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा? हाँ अच्छा दिखाई दे रहा है सब कुछ। तो देखिए स्टेप ऐसे, देखिए माइनस वन में किससे मल्टीप्लाई करी कि आइडेंटिटी आ गई, माइनस वन में माइनस वन से मल्टीप्लाई करी तो हमारे पास में आइडेंटिटी आ गई। इसका मतलब यह हुआ कि इस माइनस वन का, इस माइनस वन का इनवर्स माइनस वन है ये वाला। वन में किससे मल्टीप्लाई करें कि आइडेंटिटी आ जाए, वन में किससे मल्टीप्लाई किया, वन में मल्टीप्लाई किया आइडेंटिटी लाने के लिए वन से। तो इससे पता चला हमारे पास बच्चों इस वन का, इस वन का इनवर्स ये वाला वन है। अब हमारे पास माइनस आई में किससे मल्टीप्लाई करें कि आइडेंटिटी आ जाए, आइडेंटिटी ये है वन आ जाए। तो माइनस वन में आई से मल्टीप्लाई करा, तो इसका मतलब यह हुआ बच्चों कि माइनस आई का इनवर्स आई है। आई में किससे मल्टीप्लाई करें कि आइडेंटिटी आ जाए, ये वन है। आई की माइनस आई से मल्टीप्लाई करें तो माइनस आई, तो माइनस आई का इनवर्स आई है। तो इनवर्स एलिमेंट हमने फाइंड आउट करे। तो देखिए वन का इनवर्स माइनस वन का इनवर्स, माइनस वन ही आया, वन का इनवर्स वन ही आया, लेकिन माइनस आई का इनवर्स आया आई, और माइनस आई सॉरी और आई का ये, इस आई का इनवर्स है ये आया माइनस। तो ये इनवर्स एलिमेंट हमने फाइंड आउट कर दिया। अब बच्चों हम इसमें से कोई एलिमेंट ऐसा ले लें जिसमें मल्टीप्लीकेशन का ऑपरेशन परफॉर्म करें और हमारे पास में ये सारे एलिमेंट आ जाए। जैसे हमने ये बच्चों नीचे लिखना, मेरे पास स्पेस ना होने की वजह से मैं यहाँ लिखता हूँ, वन ले लिया, वन को वन इंटू वन बन गया, वन इंटू वन इंटू वन बनी आया, वन इंटू वन इंटू वन इंटू वन बनी आया। तो वन हमारे पास में इस के सारे एलिमेंट को जनरेट नहीं कर रहा है, सारे एलिमेंट को जनरेट नहीं कर रहा है। अब मैं माइनस वन ले लूं, माइनस वन ले लिया, माइनस वन इंटू माइनस वन ये हमारे पास में वन को जनरेट करा, माइनस वन इंटू माइनस वन इंटू माइनस वन ये माइनस वन को जनरेट करा, माइनस वन इंटू माइनस वन इंटू माइनस वन इंटू माइनस वन ये हमारे पास में वन को जनरेट करा। तो माइनस वन हमारे पास में मल्टीप्लीकेशन का ऑपरेशन लगाने पर सिर्फ वन को और माइनस वन को ही जनरेट कर पा रहा है। अब हम आई ले लिए, माइनस आई ले लिए, तो देखें माइनस आई टू दी पावर वन माइनस आई को जनरेट कर दिया, माइनस आई टू दी पावर टू ये क्या हो जाएगा बच्चों, आई स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस वन को जनरेट कर दिया।
माइनस वन आ गया, माइनस आई टू दी पावर थ्री ले लें बच्चों, तो हमारे पास माइनस आई इंटू माइनस आई इंटू माइनस आई, ये क्या हुआ बच्चों, हमारे पास में माइनस आई स्क्वायर इंटू आई, माइनस माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन इंटू आई, तो ये आई को जनरेट कर दिया। देखें माइनस वन की पावर वन माइनस आई आ गई, ये वाला एलिमेंट आ गया, माइनस वन की पावर टू माइनस वन आ गया, ये वाला एलिमेंट आ गया, हमारे पास माइनस वन की पावर थ्री हमारे पास है, मतलब माइनस आई के साथ में ऑपरेशन हमने कितनी बार, एक ही बार नहीं लिया, तो हमने माइनस वन की पावर वन लिखा, माइनस वन की पावर टू का मतलब है माइनस वन के साथ में हमने ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन का कितनी बार लिया, एक बार लिया, यहां पर माइनस वन की पावर थ्री का मतलब है हमने मल्टीप्लीकेशन का ऑपरेशन कितनी बार लिया, टू टाइम्स लिया, तो हमारे पास में माइनस वन की पावर माइनस आई की पावर टू लेने पर हमारे पास में माइनस वन आ गया, माइनस आई की पावर थ्री मतलब माइनस आई के साथ में हमने ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन का थ्री टाइम टू टाइम्स लिया, टू टाइम्स लिया, तो हमारे पास में ये आई जनरेट हो गया, और माइनस वन टू द पावर फोर मतलब माइनस वन का माइनस आई के साथ में मल्टीप्लीकेशन का ऑपरेशन हम थ्री टाइम्स लिए, ये थ्री टाइम्स लिए, तो ये आई टू द पावर फोर आई स्क्वायर टू द होल पावर टू माइनस वन टू द होल पावर टू इजिकल टू वन, तो ये फोर करने पर हमारे पास में ये भी जनरेट हो गया, तो हमने ऑपरेशन जब अप्लाई किया तो हमारे पास में क्या हो गए, एलिमेंट्स जनरेट हो रहे हैं किसके, जी के किसी सेट के, जो क्या है अपने आप में एक ग्रुप है, ग्रुप की प्रॉपर्टीज को होल्ड कर रहा है, मतलब चार प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स को होल्ड कर रहा है, तो हमारे पास में हमने माइनस आई से क्या कर लिए, ये चारों एलिमेंट्स इसके प्राप्त कर लिए, अब ये माइनस आई के अलावा किसी और एलिमेंट से प्राप्त कर सकते हैं, तो देखिए आई से आई लिया, आई टू द पावर वन आई आ गया, आई टू द पावर टू आई इंटू आई वन टाइम जनरेट ऑपरेट किया, तो ये माइनस वन आ गया हमारे पास में, इससे देखो आई की पावर वन से वन आई आया, आई की पावर टू से माइनस आई वन आया, और आई की पावर थ्री का मतलब है आई इंटू आई इंटू आई, तो हमारे पास में ये आई क्यू ये माइनस आई आया, तो हमारे पास में माइनस आई कैसे आया बच्चों, इसे देखें इसे आई स्क्वायर लिख सकते हैं इंटू आई, और आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन होती है, माइनस वन इंटू आई ये माइनस आई आ गया, तो हमने आई जनरेट कर लिया आई से माइनस वन जनरेट कर लिया, आई से हमने माइनस आई जनरेट कर लिया, आई टू द पावर फोर का मतलब है आई कंपोजिशन हमारे पास में मल्टीप्लिकेशन का है आई इंटू आई इंटू आई, ये आई स्क्वायर हुआ ये आई स्क्वायर हुआ, माइनस वन इंटू माइनस वन, तो हमने वन भी जनरेट कर लिया, तो हमारे पास में आई से भी सारे एलिमेंट्स जनरेट हो रहे हैं और माइनस आई से भी सारे एलिमेंट्स जनरेट हो रहे हैं, वन से और माइनस वन से सारे एलिमेंट्स जनरेट नहीं हो रहे हैं, तो इट मीन्स जो जी का जनरेटर है मतलब किसी एलिमेंट से वो कंपोजिशन जो दी हुई है वो कितने भी टाइम अप्लाई करके वो हम सेट्स के एलिमेंट्स प्राप्त कर सके तो वो हमारे पास में क्या कहलाएगा, जनरेटर, तो जनरेटर ऑफ जी क्या हो गया हमारे पास में आई हो गया
इसे जनरेटर को दिखाने के लिए इस तरीके से दिखाता है, और जी का जनरेटर ही हमारे पास में माइनस आई भी है, क्योंकि माइनस आई से भी हमने ऑपरेशन से अप्लाई करके मल्टीप्लिकेशन का हमने जी के सारे एलिमेंट्स को प्राप्त कर लिया। अब हम बच्चों एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, और दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं हमारे पास में, इसको एग्जाम्पल लेने से पहले हम यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं साइक्लिक ग्रुप को। तो देखिए साइक्लो ग्रुप के केस में बच्चों डिफाइन क्या करेंगे हम, आ ग्रुप जी, ये बाइनरी ऑपरेशन है। आ ग्रुप जी इज कॉल्ड साइक्लिक ग्रुप इफ if any element मैंने कह दिया a belongs to g, any element a belongs to g is such that Applying the composition up to certain times to get elements of G, to get each elements of G। तो देखो हमने आई से जब आई किया तो हमारे पास में आई आ गया, आई स्क्वायर से माइनस वन आ गया, आई क्यूब से हमारे पास में माइनस आई आ गया, आई फोर से वन आ गया। तो हमने यहाँ पर एक भी टाइम ऑपरेशन अप्लाई नहीं किया, यहाँ पर हमने ऑपरेशन वन टाइम अप्लाई किया, यहाँ ऑपरेशन टू टाइम्स अप्लाई किया, यहाँ ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन का थ्री टाइम्स। तो देखो थ्री टाइम्स ही तो अप्लाई हुआ है, i into i ही तो हमारे पास में i टू द पावर फोर है, तो देखें आगे चलते हैं। तो हमारे पास में जब i टू द पावर फोर था तो मल्टीप्लीकेशन का ऑपरेशन थ्री टाइम्स परफॉर्म किया गया। तो इसी प्रकार से हमारे पास में हमने एक एलिमेंट ए लिया है, तो हमारे पास में ये ए एलिमेंट जो है तो जी के सारे एलिमेंट्स को ला देगा अगर ऑपरेशन हम परफॉर्म करें। तो देखिए यहां पर एलिमेंट्स ऑफ जी सर्टेन टाइम्स टू गेट एलिमेंट्स ऑफ जी, इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज ए टू द पावर एम जो है इक्वल टू एनी एलिमेंट ऑफ G, where M क्या हो सकता है बच्चों,
अगर ऑपरेशन एक ही बार परफॉर्म नहीं किया गया तो एम जीरो होगा, वन टाइम परफॉर्म किया गया तो एम वन होगा, टू टाइम परफॉर्म किया गया तो हमारे पास में वन टाइम परफॉर्म, अगर एक ही बार परफॉर्म नहीं किया गया तो जीरो। अगर हमारे पास में बच्चों ऑपरेशन एक ही बार परफॉर्म नहीं किया गया तो हमारे पास में पावर जीरो, और ऑपरेशन वन टाइम परफॉर्म किया गया तो देखो जैसे I टू द पावर टू थी तो ऑपरेशन कितने टाइम परफॉर्म किया गया, एक टाइम परफॉर्म किया गया, तभी तो इसने हमारे पास में माइनस वन दिया। आई की पावर थ्री थी तो ये ऑपरेशन कितने टाइम परफॉर्म किया गया, दो बार परफॉर्म किया गया। तो आई की पावर अगर एम की वैल्यू वन है इट मींस ऑपरेशन एक ही बार परफॉर्म नहीं किया गया, अगर एम की वैल्यू टू है इट मींस ऑपरेशन वन टाइम परफॉर्म किया गया है, एम की वैल्यू थ्री है तो ऑपरेशन थ्री टाइम्स परफॉर्म किया गया है। इफ एम इक्वल टू वन ऑपरेशन इज नॉट परफॉर्म एनी टाइम एम इक्वल टू टू ऑपरेशन इज परफॉर्म वन टाइम एम इक्वल टू थ्री ऑपरेशन इज परफॉर्म टू टाइम्स। इस तरीके से एम इक्वल टू एम ऑपरेशन इज परफॉर्म एम माइनस वन टाइम्स, और इस प्रकार से सारे एलिमेंट्स आ गए। तो हमारे पास में ए टू द पावर एम दैट एम्प्लाइज ए टू द पावर एम का मतलब हुआ ए कंपोजिशन अप टू कितने टाइम्स, अप टू एम टाइम्स। देखिए जब आई टू द पावर टू लिखा तो आई को तो बच्चों दो बार ही लिखा, आई टू द पावर थ्री लिखा तो आई को तो थ्री बार ही लिखा, ऑपरेशन परफॉर्म किया गया वन टाइम कम, तो हमारे पास में ये बच्चों साइक्लिक ग्रुप की क्या हो गई, डेफिनेशन हो गई। अब देखिए एक एग्जांपल ये दिखा देंगे आप, एक एग्जांपल मैं और दिखाता हूं साइक्लिक ग्रुप के लिए। देखिए एग्जांपल सेकंड ले रहा हूं, जी एक ग्रुप है मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के लिए और जी इज इक्वल टू वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। हमारे पास में हम कंपोजिशन बनाने टेबल बनाने वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर वन इंटू वन 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 इंटू ओमेगा ओमेगा वन इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ओमेगा इंटू वन ओमेगा ओमेगा इंटू ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है बच्चों वन।
ये मल्टीप्लीकेशन का ऑपरेशन, ओमेगा स्क्वायर इंटू वन ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा, ओमेगा क्यूब, ओमेगा क्यूब की वैल्यू होगी वन, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर बच्चों क्या होगा ओमेगा टू द पावर फोर। इसे कैसे लिख सकते हैं, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, ओमेगा क्यूब इज वन, वन इंटू ओमेगा ओमेगा, तो मेरे पास में ये ओमेगा आ गया। अब देखिए बच्चों आइडेंटिटी देखिए, वन को किससे मल्टीप्लाई करें कि वन आ जाए, ओमेगा को किससे मल्टीप्लाई करें कि ओमेगा आ जाए, ओमेगा स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें कि ओमेगा स्क्वायर आ जाए। वन को वन से मल्टीप्लाई करा तो वन आया, ओमेगा को वन से मल्टीप्लाई करा तो ओमेगा आया, ओमेगा स्क्वायर को वन से मल्टीप्लाई करा तो ओमेगा स्क्वायर आया। तो इससे पता चल रहा वन इज आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट। अब आइडेंटिटी निकाली, अब इनवर्स निकाले, तो इनवर्स निकालने पर बच्चों देखें वन को किससे मल्टीप्लाई करें कि आइडेंटिटी आ जाए, आइडेंटिटी, ओमेगा को किससे मल्टीप्लाई करें कि आइडेंटिटी आ जाए, ओमेगा स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें कि आइडेंटिटी आ जाए। तो देखो वन को वन से मल्टीप्लाई करा तो आइडेंटिटी आ गई, ओमेगा को वन लाने के लिए ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ा, ओमेगा स्क्वायर को आइडेंटिटी लाने के लिए ओमेगा से मल्टीप्लाई करना पड़ा। याद क्या बच्चों, जब आइडेंटिटी आती है तो इस वन का इनवर्स ये वाला वन हुआ, ओमेगा का इनवर्स, इस ओमेगा का इनवर्स हमारे पास वो ओमेगा स्क्वायर हुआ, और यहां देखें ओमेगा स्क्वायर का इनवर्स हमारे पास वो ओमेगा हुआ। तो हमने बच्चों ये यहां पर आपको देखें जो इनवर्स हैं हमारे पास में, और एक चीज देखें अगर किसी एलिमेंट का इनवर्स भी जनरेटर हो सकता है, तो देखें हमारे पास में माइनस आई का इनवर्स आया आई, माइनस आई का इनवर्स आया आई, तो हमने ये देखा कि माइनस आई भी जनरेटर है और आई भी जनरेटर है। तो किसी एलिमेंट का इनवर्स और वो एलिमेंट क्या हो सकते हैं, जनरेटर हो सकते हैं हमारे पास में। तो अब हमारे पास में ये देखना है यहां पर क्या जनरेटर है। तो देखें वन को देखिए, वन इंटू वन इजिकल टू वन, वन इंटू वन इंटू वन इजिकल टू वन, वन इंटू वन इंटू वन इंटू वन, तो ये वन ही एलिमेंट दे रहा है, तो हमारे पास में वन जनरेटर नहीं हुआ। अब ओमेगा देखिए बच्चों, ओमेगा ओमेगा ने एक ही बार ऑपरेशन अप्लाई नहीं करा, ओमेगा दे दिया, ओमेगा की पावर टू किया हमने ऑपरेशन अप्लाई किया वन टाइम, तो हमें क्या दे दिया ओमेगा स्क्वायर, सॉरी ओमेगा में हमने दो टाइम, तो हमें ये ओमेगा स्क्वायर दे दिया, ओमेगा क्यूब हमने ऑपरेशन अप्लाई किया टू टाइम्स, तो हमें दे दिया, ये देखिए ब्रैकेट लगा करके लिखिए ब्रैकेट, तो ये ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है बच्चों वन। तो हमें इस ओमेगा ने कोई टाइम भी ऑपरेशन अप्लाई नहीं करा, ओमेगा दे दिया, हमने ऑपरेशन वन टाइम अप्लाई करा तो हमें क्या दे दिया ओमेगा स्क्वायर, हमने ऑपरेशन टू टाइम अप्लाई किया तो हमें वन दे दिया। तो हमारे पास में ओमेगा क्या हो गया, डेट एम्प्लाइज।
तो हमारे पास है। अब हम देखें ओमेगा स्क्वायर को, देखें ओमेगा स्क्वायर कोई टाइम अप्लाई नहीं किया, ओमेगा स्क्वायर आ गया। अब हमने ओमेगा स्क्वायर में ऑपरेशन अप्लाई किया वन टाइम, पावर टू शो कर रहा है ऑपरेशन वन टाइम, तो ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर ऑपरेशन वन टाइम, ये ओमेगा क्यूब बार फोर ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, और ये वन हो गया इंटू ओमेगा हो गया ये ओमेगा। तो हमारे पास में ओमेगा स्क्वायर, हमारे पास में ओमेगा जनरेट कर रहा है, ओमेगा स्क्वायर जनरेट कर रहा है। ओमेगा स्क्वायर की पावर थ्री करने पर ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा टू की पावर सिक्स ओमेगा टू की पावर थ्री इंटू ओमेगा टू की पावर थ्री, वन इंटू वन इक्वल टू वन। तो इसने भी हमारे पास में ओमेगा स्क्वायर ने भी तीनों एलिमेंट्स जनरेट कर दिए। तो देखें सिंस ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर जनरेटिंग एलिमेंट्स ऑफ जी, देयरफॉर ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर जनरेटर और जी, और कैसे लिख सकते हैं जनरेटर और जी इक्वल टू, जनरेटर को स्क्वायर भी लिख सकते, ओमेगा भी है और जनरेटर हमारे पास में ओमेगा स्क्वायर भी है। तो देखो ओमेगा का इनवर्स, ओमेगा का इनवर्स ओमेगा स्क्वायर आया, तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर दोनों ही हमारे पास में जनरेटर्स हो सकते हैं, तो हो गए जनरेटर। तो हमारे पास में बच्चों ये मैंने साइक्लोग्रुप को डिफाइन कर दिया है, और मैं समझता हूँ समझ में आया होगा। और अगर किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो मेरे लिए कमेंट्स द्वारा इन्फॉर्म कीजिएगा। मेरे चैनल पर अगर बच्चों नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हर अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन पहले प्राप्त हो सके आपको, और आपकी तरफ से भी मेरे लिए मोटिवेशन प्राप्त हो सके, मुझे और वीडियोज बनानी चाहिए, मैं इंस्पायर्ड हो सकूँ। अदरवाइज़ मेरी मेहनत जो है वो तो ये समझूँगा कि मैं जो मेहनत कर रहा हूँ वो बच्चों के समझ में आ नहीं रहा है, और मुझे नहीं करनी चाहिए वीडियो, नहीं बनानी चाहिए। तो प्लीज़ क्या करते जाइएगा, कमेंट्स करके भी इन्फॉर्म कीजिएगा, और जब भी सब्सक्राइब करें बच्चों तो प्लीज़ कमेंट्स कीजिएगा कि मेरी वीडियोज़ आपको कैसी लग रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।